माय नेम इज़ अनुष कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा तो यार लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि नेस्टेड इफेंस कैसे काम करते हैं और हमने नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स को भी देखा था कि वो कैसे काम करता है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में कि ठीक है स्विच और केस और ये कैसे काम करता है और ये क्यों बेटर है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे एक्चुअली ये वर्क करता है ठीक है तो उससे आगे बढ़ने से पहले यार पहले काफ़ी बच्चों के कमेंट सेक्शन में भी आ रहा था काफ़ी बच्चे पूछ भी रहे थे कि भैया कुछ रिसोर्सेज बता दो जहाँ पे हम अपना प्रैक्टिस कर सकें कुछ बता दो बुक्स के बारे में पूछ रहे थे आप ठीक है तो पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं एक्चुअली तो आ, यार ये एक वेबसाइट है डब्लू थ्री स्कूल्स ठीक है इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये वेबसाइट यार काफ़ी सही है इसके अंदर आप एक्चुअली पढ़ सकते हो टॉपिक बाई टॉपिक और साथ में यार आप इसके अंदर एक एक्सरसाइज का कॉलम है ठीक है उसमें जाके आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो काफ़ी सारी ठीक है तो आपको अगर लग रहा है कि अब टेस्ट देने का टाइम आ गया है कि आपने कुछ सीख लिया और आप चाहते हो कि आप देखा देखना चाहते हो कि आप कितना इम्प्रूव कर गए हो कितना आपको आ गया है ठीक है तो आप इसके अंदर एक्सरसाइजेज भी सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है आ रही है इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जितने भी अभी टॉपिक्स कवर हुए हैं ये ऑपरेटर्स तक और फिर स्ट्रिंग्स और मैथ्स आप छोड़ सकते हो बुलियन आप कर सकते हो और इफ एल्स कर सकते हो और आज के बाद आप स्विच भी कर सकते हो ठीक है तो ये सारे सारे आप यहाँ पर देख सकते हो और इसके अंदर यार आप एक्चुअली इसके अंदर आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो ठीक है यहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगा स्टार्ट दी एक्सरसाइज आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यार एक्सरसाइज़ वन एक्सरसाइज टू ठीक है ये आपकी सिंटेक्स की एक्सरसाइज होगी तो आप इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं आप जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि इंसर्ट द मिसिंग पार्ट ऑफ द कोड टू आउटपुट हेलो वर्ल्ड ठीक है तो यहाँ पे आपको यह कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं और आपको बताना होगा कि यहाँ पर क्या आना चाहिए ठीक है तो ये जो आपके जो कंसेप्ट होंगे वो यहाँ पे आप इनको इजीली और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पे आप देख रहे हो जावा वेरिएबल्स इसके अंदर इसके अंदर पांच एक्ससाइजेज हैं आपके डेटा टाइप्स के अंदर कुछ एक्सरसाइजेज हैं ऑपरेटर्स के अंदर जैसे इस एक्सरसाइज को खोलते हैं ऑपरेटर के अंदर एक्सरसाइज नंबर फोर तो सिंपल कुछ नहीं पूछ रहा यूज द एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर टू एट द वैल्यू फाइव टू द वेरिएबल एक्स ठीक है तो फाइव ऐड करना है एक्स के अंदर तो आपको पता ही है कैसे ऐड करना है तो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स प्लस इक्स टू फाइव ठीक है ये आपको ऑपरेटर बता दिया गया था पहले ही कि एक्स प्लस इक्स टू फाइव और आप सबमिट आंसर करोगे तो करेक्ट आंसर होगा तो यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा तो ऐसे करके आप इसमें आप अपना चेक कर सकते हो कि आप कितने स्ट्रांग हो गए हो ठीक है और आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो और कुछ को बुक्स की भी ज़रूरत थी ठीक है तो मैंने यार खुद मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने बुक्स से ही पढ़ा था आ, लेकिन बिगिनर्स के लिए ज़्यादातर अच्छा ये होता है कि वो ऐसे जैसे रिसोर्सेज हैं वो वहाँ से पढ़ लें बट अगर आपको फिर भी बुक की ज़रूरत है तो यार एक बुक आती है जावा फोर डमीज़ ठीक है उससे मैंने पढ़ा था और वो काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी ईजी बुक भी है मैं सबको वही रिकमेंड करता हूँ और बिगिनर्स फ्रेंडली है काफ़ी ज़्यादा तो आप उसमें इजीली मूव कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो जावा फोर डमीज़ यार मेरी तरफ़ से रिकमेंडेशन वही है ठीक है आपको ईजीली अमेज़न पर मिल जाएगी तो आप वहाँ से वो पढ़ सकते हो इसके अलावा अगर किसी का कोई और डाउट था यार तो वो भी पूछ सकते हो आप अभी फिलहाल के लिए आपको ज़्यादा असाइनमेंट्स इसलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि अभी आपके जो टॉपिक्स थे वो ज़्यादा कुछ इतने ऐसे खास थे ही नहीं जिनके अंदर आपके काफ़ी अच्छे असाइनमेंट बन सकते हैं बट अब धीरे धीरे करके आपके आ रहे हैं टॉपिक्स जैसे कि फॉर लूप स्टार्ट होने वाला है अगली वीडियो से तो फॉर लूप्स के अंदर आपके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम भी सॉल्व करेंगे और उसमें काफ़ी सारे असाइनमेंट भी होंगे ठीक है तो अभी तक जितना भी पार्ट था वो बेसिकली आपको सिंटेक्स से रूबरू कराने तक था अभी ज़्यादा इसमें इतना कुछ कंसेप्चुअल uh, था नहीं ठीक है बेसिक सिंटेक्स आपको रटने का था बट अब धीरे धीरे करके आ रहे हैं इसमें लॉजिकल क्वेश्चन और फॉर फॉरलुक के साथ धीरे धीरे करके अब हम आगे बढ़ेंगे और उसमें आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे और वो क्वेश्चंस एक्चुअली काफ़ी अच्छे होने वाले हैं ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्विच केस स्टेटमेंट्स के साथ तो स्विच केस क्या होती है तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में कि इफ़ एल्स कंडीशंस होती हैं ठीक है वैसे स्विच भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर ही आता है तो यार आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये स्विच स्टेटमेंट है और इसका सिंटेक्स भी कुछ कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा फिलहाल बट जानने का ट्राई करते कि ये करता कैसे काम है तो uh, स्विच स्टेटमेंट इसके अंदर पैरेंथिस में आप एक्सप्रेशन लिखते हो ठीक है एक्सप्रेशन या वेरिएबल uh, यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप वो वैल्यू जो आप चाहते हो uh, चेक करना कि ये वैल्यू किसके बराबर होने वाली है ये वैल्यू वैल्यू वन के बराबर होने वाली है क्या ये वैल्यू वैल्यू टू के बराबर होने वाली है इस टाइप की जो फंडे होते हैं जिस टाइप की जो इफ़ कंडीशन होती हैं उनको ईजीअर तरीके से लिखने का ये तरीका होता है ठीक है तो एक बार एक इफ कंडीशन देख लेते हैं कि वो इफ कंडीशन कैसे मैसी हो सकती है और कैसे स्विच कंडीशन से उसे हम आ, अच्छा बना सकते हैं ठीक है तो आ, मैं क्या करूँगा कंडीशन स्टेटमेंट्स के अंदर ही एक नई क्लास बना लेते हैं न्यू क्लास और इसका नाम देने वाला हूँ मैं स्विच के स्टेटमेंट्स फिनिश स्कोर आ देते हैं तो सपोज uh, कि आपका वीक uh, है एक पूरा वीक और वीक uh, के अंदर कुछ डेज हैं जिनके अंदर आप कुछ करना चाहते हो ठीक है अगर संडे है तो आप कुछ और करना चाहते हो मंडे है तो आप कुछ और करना चाहते हो ठीक है ऐसा कुछ है तो लेट्स इंट डे ऑफ वीक से फोर तो डे ऑफ़ वीक जो होगा वो इंटीजर ले लिया मैंने पे वन से लेकर सेवन तक वन होगा तो संडे मान लो आप अपने आप ही सेवन uh, होगा तो आप सैटरडे मान लो ठीक है संडे मंडे ट्यूजडे वनडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तो ऐसे करके सेवन डेज हो जाएंगे डे ऑफ वीक और uh, फिर आप क्या करोगे अगर डे ऑफ वीक आपका वन है तो कुछ काम करना है ठीक है अगर डे ऑफ वीक आपका टू है तो ये काम करना है ठीक है ऐसे करके आप इसे रिपीट कर सकते हो तो यहां पे वन टू ऐसे थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स ठीक है और इफ डे Of week, आपका सेवन है तो आप ये काम करना चाहते हो ठीक है तो आपने यहाँ पे देखा मैंने यार डे ऑफ वीक जो एक वेरिएबल था जो एक एक्सप्रेशन थी उसको मैं सात बार चेक कर रहा हूं ठीक है सात बार चेक कर रहा हूँ कि अगर ये वन है तो ये काम करो टू है तो ये काम करो आप यहाँ पर मल्टीपल इफ्स के बजाय आप एल सिफ भी लगा सकते हो सेम रिजल्ट आने वाला है बट यहाँ पे हो क्या रहा है मुझे बार बार डे ऑफ वीक को चेक करना पड़ रहा है ठीक है बार बार मुझे डे ऑफ वीक को चेक करना पड़ रहा है और इससे काफ़ी आपका जो कोड है वो मैसी हो जा रहा है ठीक है बीच में अगर आपका डे ऑफ वीक कहीं पे चेंज हो गया तो फिर आपका फिर पूरा खेल खत्म हो जाएगा बिकॉज आपका फिर वो डे ऑफ वीक अगर सपोज मैंने यहाँ पे किसी कोई आया बीच में और उसने फोर की जगह बंद कर दिया ठीक है तो आपका कोड फिर वहीं से ख़राब ही हो गया पूरा का पूरा ठीक है तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके कोड में ठीक है तो आप चाहते हो कि जो एक वेरिएबल जो एक्सप्रेशन है वो एक ही बार चेक हो और वो सबके सब चेक कर लें ठीक है जितनी भी चीजें हैं जितने भी आपकी वैल्यूज हैं वो सबके लिए चेक हो जाए तो उसके लिए यार आप स्विच स्टेटमेंट यूज करते हो ठीक है स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे काम आती है काफ़ी तो आप क्या करोगे स्विच स्टेटमेंट के अंदर कि जो डे ऑफ वीक जो आपने बनाया है ना ये जो एक्सप्रेशन है ये जो वेरिएबल या एक्सप्रेशन है इसको आप स्विच में डालोगे पैरेंथिस के अंदर और आप मल्टीपल केसेज बना लोगे ठीक है तो हमारे केस में यहाँ पर केसेज क्या हो जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है तो बार बार मुझे डे ऑफ वीक को चेक करने की जरूरत नहीं है डे ऑफ वीक मैंने यहाँ पे स्विच में डाला एक बार और मैं मल्टीपल केसेस बना लूँगा ठीक है वन से लेकर सेवन तक और उनके अकॉर्डिंगली जो भी मुझे एग्जीक्यूट कराना है वो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करा सकता हूँ स्टेटमेंट्स के अंदर ठीक है इस स्टेटमेंट में कुछ करा लूँगा इस स्टेटमेंट कुछ और प्रिंट करा लूंगा ठीक है सपोज डे वन है तो मैं छुट्टी पे हूँ डे टू है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ डे थ्री है मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ ठीक है ऐसे करके आपके डे सेवन तक आप कुछ भी कर सकते हो तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट्स आ जाएंगी आपकी अच्छा ठीक है तो स्विच और केस तो आपको समझ में आ गया होगा स्विच के अंदर आप एक्सप्रेशन डालते हो और केस मतलब कि क्या केस है केस वन है केस टू है केस सेवन है या फिर केस कुछ और है ठीक है आ, वो यहाँ पे होता है एक यहाँ पे आपको डिफॉल्ट दिख रहा होगा डिफ़ॉल्ट का मतलब कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं है अगर वन से लेकर सेवन तक कुछ नहीं मिला तो डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसा आपको बताया था इफ़ एल्स इफ़ वाला था कि इफ़ के अंदर आप मल्टीपल एल्स इफ़ डाल सकते हो और उसके बाद में आप एंड में चाहो तो एक एल्स स्टेटमेंट भी लगा सकते हो ठीक है एल्स स्टेटमेंट क्या था कि अगर ऊपर से लेकर अभी तक इसे कुछ नहीं मिला तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तो होगा ही होगा वैसे यहाँ पर डिफॉल्ट है अगर इसे ऊपर से लेकर अभी तक नीचे तक कुछ नहीं मिला तो लास्ट uh, वाला तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा ठीक है तो डिफॉल्ट uh, वहाँ पे यूज हो जाता है और फिर आपको यहाँ पे ब्रेक दिख रहे होंगे ठीक है ब्रेक ब्रेक तो ब्रेक से क्या होता है यार कि uh, अगर इसे आपकी वैल्यू वन मिल जाती है कि अगर आपका सपोज वैल्यू वन आपकी ट्रू हो गई ठीक है तो वो वैल्यू वन वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा प्रिंट कर देगा या फिर जो भी काम होगा यहाँ पे वैल्यू वन के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी सारी लाइने एग्जीक्यूट हो जाएंगी अगर आप यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाते हो ठीक है तो वो वैल्यू टू को भी चेक करेगा और वैल्यू टू को चेक करेगा और वैल्यू टू अगर ट्रू हो गई इस बार तो वो वैल्यू टू को भी प्रिंट कर देगा तो ऐसे करते करते वो सबको प्रिंट करता रहेगा ठीक है तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं अभी हम कोड में भी देखेंगे लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होता है कि अगर इसे दिख गया कि वैल्यू वन अगर ट्रू हो गई तो उसी टाइम ये बाहर निकल जाएगा ठीक है उसी टाइम ये स्विच वाले ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा और आपके लिए सारी सारी चीज़ें प्रिंट नहीं होंगी यहाँ पर उस केस में तो यार ये एक स्विच स्टेटमेंट का एक फ्लो चार्ट भी है ठीक है इस फ्लो चार्ट को देख लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन आपकी हो गई जो एक्सप्रेशन हमारी थी डे ऑफ वीक तो ये एक्सप्रेशन हो गई ये चेक करेंगे क्या केस वन से मैच कर रही है अगर केस वन से मैच कर रही है तो आप कोड वन कोड ब्लॉक वन में चले जाओगे ठीक है जो कोड ब्लॉक होगा और उसमें आपने ब्रेक लगा रखा है अगर वो ट्रू है तो वो डायरेक्ट खत्म हो जाएगा ठीक है नीचे चला जाएगा लेकिन अगर केस वन मैच नहीं करता अगर वो डे ऑफ वीक वन नहीं है तो ये केस टू को मैच करेगा आप ठीक है केस टू को मैच करेगा अगर केस टू मैच कर गया तो केस uh, टू का जो कोड ब्लॉक होगा वो रन होगा अगर केस टू भी मैच नहीं किया तो केस थ्री ऐसे केस फोर केस फाइव केस सेवन और आप जितने मर्जी केस बना सकते हो और फाइनली अगर आपने एक डिफॉल्ट लगा रखा है तो डिफॉल्ट वाला केस भी uh, जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा ठीक है तो इसको आप कोड में देख लेते हैं कि कोड में हम स्विच स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं तो सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं यार ये डे ऑफ वीक वाला ही तो मैं क्या करता हूँ इस पूरे कोड को कमेंट कर देता हूं तो कमेंट करने के लिए कंट्रोल स्लैश कमांड स्लैश या फिर कंट्रोल स्लैश आपके विंडोज के केस में ठीक है तो कुछ नहीं करना स्विच जैसे पहले बता दो स्विच उसके अंदर पैरेंथिस के अंदर आपकी स्टेट एक्सप्रेशन uh, आएगी तो एक्सप्रेशन हमारी होगी डे ऑफ वीक ठीक है उसके बाद आपके करली ब्रेसिस करली ब्रेस के बाद लिखोगे आप केस केस अगर आपका वन है अगर आपका केस वन है तो आप क्या चाहते हो कि अब ये चीज एग्जीक्यूट हो तो अगर आपका डे ऑफ वीक वन है तो आप आ, आप लीव पे हो तो सपोज मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे आई एम ऑन लीव ठीक है फिर लगा दिया ब्रेक उसके बाद आता है आपका केस टू केस टू मतलब यहां पे मंडे हो गया ठीक है मंडे को फिर केस थ्री ऐसे आपके केसेस चलते रहेंगे सपोज केस थ्री के अंदर आप दादा और फिर आप एक डिफॉल्ट लगा सकते हो डिफॉल्ट आई डोंट नो वट डे इट इज तो अगर आप इसे रन करके देखोगे तो हमने यहाँ पे डे ऑफ वीक ले रखा है फोर ठीक है तो केस वन भी नहीं चलेगा केस टू भी नहीं चलेगा केस थ्री भी नहीं चलेगा तो डिफॉल्ट चल जाएगा बिकॉज आपका डे ऑफ वीक जो है वो फोर है ठीक है और फोर हमने यहाँ पे हैंडल नहीं किया हुआ four case. है फोर वाला केस देखते हैं क्या होता है आई डोंट नो वट डे इट इज ठीक है इसे डे फोर का नहीं पता बट अगर डे अगर सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ टू मंडे वाला डे ठीक है तो आई एम इन ऑफिस तो यहाँ पर होकर है अब ये जान लेते हैं तो स्विच स्टेटमेंट आपकी कॉल हुई स्विच के अंदर आपने डे ऑफ वीक डाल दिया अब उसके बाद केस वन चलेगा ठीक है केस वन ऐसे लिखते हैं केस लिखा उसके बाद जो उसकी वैल्यू होने वाली है वो लिखी उसके बाद आपने एक कोलन लगाया ठीक है कोलन लगाया और उसके बाद आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखने वो आपने यहाँ पे लिख दी ठीक है तो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी आई एम ऑन लीव केस वन होगा तो आई एम ऑन लीव वाली स्टेटमेंट चल जाएगी उसके बाद आपने ब्रेक लगा दिया ठीक है एक बार ऐसा करते हैं ब्रेक वाली स्टेटमेंट्स जितने भी हैं उन सबको हम कमेंट कर देते हैं देखते हैं क्या होता है एक बार दोबारा से रन करते हैं तो जैसे मैंने ब्रेक वाली स्टेटमेंट कमेंट कर दी तो यहां पे हुआ क्या तो डे ऑफ वीक तो टू था आपका ठीक है तो केस वन तो चलेगा नहीं केस वन तो चलेगा नहीं क्योंकि डे ऑफ वीक तो है टू अब केस टू पे आए केस टू में लिखा है मैंने एम इन ऑफिस ठीक है तो एम इन ऑफिस वाला केस चल गया अब आई एम इन ऑफिस वाला केस चल गया उसके बाद वो केस थ्री केस फोर कुछ चेक नहीं करने वाला और वो डिफॉल्ट भी चेक नहीं करने वाला वो सारी सारी जितनी भी लाइंस है वो एग्जीक्यूट कर देगा ठीक है क्यों क्योंकि आप स्विच स्टेटमेंट से बाहर नहीं आए और आपका एक केस जो है वो सक्सेस हो चुका है तो बाकी सारे केसेस को देखेगा भी नहीं और उनकी जो स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी सारी एग्जीक्यूट कर देगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है वो केस थ्री को चेक नहीं कर रहा क्योंकि ब्रेक तो है ही नहीं ब्रेक तो कमेंट कर रखा है मैंने तो ब्रेक तो लगा ही नहीं ब्रेक लगने से क्या होता है वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है ठीक है तो यहाँ ब्रेक नहीं लगा तो इसने आई एम प्लेइंग फुटबॉल भी प्रिंट कर दिया उसके बाद डिफॉल्ट भी प्रिंट कर दिया क्योंकि यहां भी ब्रेक नहीं लगा डिफॉल्ट में लिख दिया आई डोंट नो डेट इज ठीक है तो ऐसा करने से अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तो उसके नीचे की जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं वो बाय डिफॉल्ट ट्रू हो जाती हैं तो इसीलिए हमें ब्रेक लगाना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आपको हमेशा ब्रेक लगा लेना चाहिए ठीक है तो आप यहाँ पे ये ब्रेक लगा लोगे तो जैसे इसको दिखेगा कि अच्छा केस टू ट्रू हो गया तो वहीं पे वो ब्रेक स्टेटमेंट कॉल हो जाएगी और ब्रेक से क्या होता है उस स्विच से बाहर निकल जाता है बेसिकली किसी भी ब्लॉक से आप बाहर निकलना चाहते हो तो आप वहाँ पर ब्रेक लगा रहे होते हो ठीक है अभी हम ब्रेक को और भी देखेंगे ब्रेक होता है कंटिन्यू होता है तो ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ये ब्लॉक्स uh, के साथ खेलते हैं ठीक है तो अभी फॉर फॉरलुक स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर भी हम इनको देखेंगे ठीक है एक्सप्लेन करेंगे उनको डिटेल में ब्रेक और कंटिन्यू कैसे काम करता है तो आपका ये स्विच स्टेटमेंट था और आप यहाँ पर देख रहे हो यार ये कितना नीट हो चुका है अब पहले स्टेटमेंट के अंदर आपको बार बार चेक करना पड़ रहा था डे ऑफ वीक वन है या डे ऑफ वीक टू है तो बार बार डे ऑफ वीक लिखना पड़ रहा था यहाँ पर डे ऑफ वीक आपने सिर्फ एक बार लिखा उसके बाद आपने सारे के सारे इसके केसेस हैंडल कर लिए और यहाँ पे आपका नीट एंड क्लीन वही वाला काम जो ऊपर हो रहा था वो यहाँ पे नीचे नीट एंड क्लीन तरीके से अब हो रहा है ठीक है तो स्विच और केस को यूज करके यार आप और भी काफ़ी कूल चीज़ें कर सकते हो आप उनको ईफेल्स के साथ भी कर सकते थे बट स्विच केस को यूज करने के बाद आप उन्हें काफ़ी ऑप्टिमाइज तरीके से कर सकते हो सपोज आपको एक कैलकुलेटर बनाना है ठीक है और कैलकुलेटर के लिए आपको क्या चाहिए ऑपरेटर चाहिए प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और आपने एक प्रोग्राम देख भी लिया होगा कि कैसे प्लस करना, करना होता है कैसे मल्टीप्लाई करना होता है बट सपोज आपको एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना है जिसके अंदर यूजर बताता है कि अब प्लस करना है अब माइनस करना है कि अब मल्टीप्लाई करना है तो उस केस में आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अच्छा अगर मुझे माइनस करना है तो मुझे माइनस वाली चीज़ें लगानी है प्लस करना है तो प्लस वाली चीज़ें लगानी है ठीक है तो उसको देखते हैं स्विच केस कैसे हैंडल कर पाता है ठीक है तो एक कैलकुलेटर बनाते हैं तो uh, मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर ही एक नई क्लास बना रहा हूँ न्यू क्लास कैलकुलेटर ठीक है कैलकुलेटर क्लास बनाते हैं तो मैं दो ऑपरेंट्स ले लेता हूँ जिनके साथ हम काम करने वाले हैं तो सपोज़ एक ए ऑपरेंट ले लिया जिसकी वैल्यू मैंने रख दी फोर या फिर ऐसे करते हैं इनको भी यूज़र से लेते हैं ठीक है आपको यूज़र इनपुट तो लेना आ ही गया है तो क्या करते हैं यूज़र इनपुट लेने के लिए सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन अब यहाँ पे एरर आ रहा है कि इसको पता ही नहीं ये स्कैनर कहाँ से आया ठीक है तो स्कैनर क्लास को हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया इसके ऊपर और ये जावा डॉट यूटिल वाला स्कैनर इंपोर्ट करा लिया तो यहाँ पे अपने आप लिखा गया जा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर ठीक है ये इक्लिप्स ने अपने आप ही आप, आपके लिए इम्पोर्ट करा दिया तो ये स्कैनर क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया तो उसके बाद हम आ, दो वैल्यूज लेते हैं उससे सबसे पहले आ, पूरा का पूरा ठीक से लिखते हैं ठीक है तो उससे आउट एंटर फर्स्ट नंबर और इंट एक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट ठीक है तो एंटर फर्स्ट नंबर उसके बाद आपने ए के अंदर जो जिसने नंबर एंटर किया वो आपने स्टोर करा लिया उसके बाद आप लिखते हो एंटर सेकेंड नंबर तो आपने बी के अंदर दूसरा नंबर रख लिया उसके बाद आप उससे बोलते हो कि एंटर दी ऑपरेशन कि आप क्या करना चाहते हो प्लस करना चाहते हो माइनस करना चाहते हो मल्टीप्लाई करना चाहते हो और डिवाइड करना चाहते हो आपने वो इनपुट मांग लिया और वो इनपुट आप कैरेक्टर के अंदर स्टोर करा सकते हो तो कैर ऑपरेशन इक्व टू एस सी डॉट तो जो आपने जो ऑपरेशन लेने है वो आपको करैक्टर में लेने है तो एस सी डॉट नेक्स्ट कैर तो आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट कैर करके कोई फंक्शन होता ही नहीं है स्कैनर के अंदर आप डायरेक्टली करैक्टर इनपुट नहीं ले सकते हो ठीक है तो करेक्टर अगर आपको इनपुट लेना है तो आप क्या करते हो आप क्या करते हो स्ट्रिंग इनपुट ले लेते हो मैंने आपको स्ट्रिंग बताया था पहले भी कि स्ट्रिंग वर्ड्स uh, और सेंटेंसेज ये सब होते हैं ठीक है तो आपने क्या किया एक वर्ड ले लिया पूरा का पूरा, पूरा जो सिर्फ एक कैरेक्टर का है ठीक है एक कैरेक्टर उस 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 वर्ड के अंदर ठीक है और आपने क्या किया उस स्ट्रिंग उस का जो पहला कैरेक्टर है वो निकाल लिया अलग और उसे अपने आपने इस कैरेक्टर ऑपरेशन में डाल दिया ठीक है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि अभी स्ट्रिंग कैसे आपने लिया और फिर स्ट्रिंग के अंदर से आपने कैरेक्टर कैसे लिया तो टेंशन मत मतलब लिया यार स्ट्रिंग अभी हम पे पढ़ाया नहीं गया है स्ट्रिंग जब पढ़ाया जाएगा आने वाली वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रिंग कैसे यहाँ पे आपने ले लिया बस फिलहाल खिलाफ क्या करो आप क्योंकि करैक्टर इनपुट नहीं ले सकते स्कैनर से डायरेक्टली तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ रहा है नेक्स्ट लाइन डॉट कैर एट जीरो ठीक है तो यहां से क्या होगा इससे नेक्स्ट लाइन आएगी ठीक है और जो पूरी लाइन होगी उसका जो पहला कैरेक्टर होगा और कैरेक्टर हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है यह भी आपको बता जाएगा कि जीरो बेस इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग होती है तो जीरो से जो कैरेक्टर होगा वो आपका इस ऑपरेशन कैरेक्टर में चला गया ठीक है अच्छा एक और चीज होगी यार यहां पे जो ये नेक्स्ट लाइन है ना वो आप डायरेक्टली अभी आप इनपुट देने का ट्राई करोगे तो वो नेक्स्ट लाइन आपको मिलेगा ही नहीं क्यों क्योंकि इससे पहले आपने एक इंटीजर का इनपुट ले लिया है इंटीजर का इनपुट लेने के बाद अगर आपको स्ट्रिंग का इनपुट लेना होता है यार ये बात ध्यान से समझ लेना कि अगर आप इंटीजर का इनपुट लेने के बाद स्ट्रिंग का इनपुट ले रहे हो तो आप इसे डायरेक्टली नहीं ले सकते उससे पहले आपको एक स्ट्रिंग इनपुट लेना पड़ता है पहले से वरना वो जो एंटर होता है ना देखो क्या होता है आपने आपने एक इंट लिया उसके बाद आपने एंटर दबाया ठीक है आपने क्या किया फाइव डाला उसके अंदर फाइव इनपुट दिया उसे और उसके बाद आपने एंटर दबाया उसके बाद आपने दूसरा एंट लिया और उसके बाद फिर से आपने एंटर हिट किया ठीक है अब आपने दो बार एंटर हिट कर दिया उसके बाद आप क्या कर रहे हो एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हो ठीक है उसके बाद आप स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हो लेकिन ये एंटर हिट करने से क्या हुआ जो स्ट्रिंग इनपुट ले रहे थे ना उसने मान लिया कि स्ट्रिंग इनपुट जा चुकी है ये क्यों हो रहा है ये बाद में एक्सप्लेन हो जाएगा बट अभी के लिए समझ लो कि जैसे आपने ये एंटर हिट किया ना वैसे ही ये स्ट्रिंग भी इनपुट वो ले चुका है उस टाइम पे तो जब आप बोलोगे उसे कि स्ट्रिंग इनपुट कर तो वो ये वाला एंटर जो है वो स्ट्रिंग इनपुट पहले ही कर चुका है तो आपकी स्ट्रिंग के अंदर एक्चुअली कुछ भी नहीं आएगा उस केस में आपकी स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ एंटर आ रहा है और वो कुछ भी नहीं होगा तो आप क्या चाहते हो कि एक बार पहले स्ट्रिंग ले लो इनपुट जिसके अंदर ये एंटर आ रहा है और फिर एक दोबारा स्ट्रिंग इनपुट ले लो जिसके अंदर आपकी एक्चुअल वैल्यू आ रही है ठीक है तो दो बार स्ट्रिंग इनपुट ले लो ये सिर्फ कब करना पड़ता है जब आपने स्ट्रिंग से पहले इंटीजर या फ्लोट ऐसी वैल्यूज आपने इनपुट में ली हैं अगर आप डायरेक्टली पहली स्टेटमेंट आपकी ऐसी है जिसके अंदर आप स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हो तो उसको आप डायरेक्टली स्ट्रिंग को ऐसे इनपुट ले सकते हो एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन करके ठीक है लेकिन अगर आप इंटीजर के बाद स्ट्रिंग का इनपुट ले रहे हो तो वो डायरेक्टली नहीं हो पाएगा ठीक है तो आप क्या करोगे इस एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन से पहले एक एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन ऐसे ही लिख दोगे खाली ठीक है और इस ऐसी डॉक्ट नेक्स्ट लाइन से जो भी आएगा जो कि एंटर होने वाला है उसको आप किसी भी चीज़ में नहीं डालोगे क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है तो वो वाला जो एंटर होगा वो ये वाली लाइन कंज्यूम कर लेगी ठीक है और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट लाइन में आप जो भी लिखोगे वो इस कैरेक्टर ऑपरेशन में चला जाएगा ठीक है अभी आपको काफ़ी ज़्यादा अगर वियर्ड लग रहा होगा तो टेंशन मत लो यार ये स्ट्रिंग की थोड़ी अलग टेक्निक होती है स्ट्रिंग के अंदर हम देखेंगे कि वो कैसे काम करती है तो फिलहाल के लिए ये समझ लो कि ऐसे करके आपको इनपुट लेनी है ओके okay. अब हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट अपनी लगा सकते हैं स्विच स्टेटमेंट किसके ऊपर लगाएंगे आपकी ऑपरेशन के ऊपर कि अगर ऑपरेशन आपका आपने प्लस डाला है तो प्लस करेंगे मल्टीप्लाई डाला है तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस डाला है तो माइनस करेंगे डिवाइड डाला है तो डिवाइड कर लेंगे ठीक है एक्चुअली अगर हम डिवाइड ऑपरेशन सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है हमें यहाँ पे फ्लोट लेना चाहिए ए और बी को बट फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे इंटीजर ले लिया है बट कोई बात नहीं Uh, तो स्विच ऑपरेशन केस मैंने आपको बताया था जो uh, जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं उनको आपको हमेशा सिंगल कोर्ट्स में लिखना होता है तो अगर कैरेक्टर केस uh, आपका प्लस है तो क्या काम करना है तो हम एक ऐसा करते हैं इंट रिजल्ट करके बना लेते हैं उसके अंदर फिलहाल ज़ीरो डाल देते हैं और अगर आपका प्लस केस uh, है प्लस का केस है तो रिज़ल्ट के अंदर डाल देंगे हम ए प्लस बी ठीक है क्लियर है और यहाँ पे कर देते हैं ब्रेक वरना अगर प्लस हुआ तो अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो जितने भी नीचे आप एक्सप्रेशन वो सारी सारी एक एक करके एग्जीक्यूट होती जाएंगी ठीक है प्लस का केस हो गया अब केस ले लेते हैं माइनस का कि अगर आप माइनस कर रहे हो तो आप रिजल्ट में डालोगे ए माइनस बी ठीक है तो ये आपका मल्टीप्लाई का केस हो गया और डिवाइड का केस हो गया उसके बाद सपोज आपने कोई ऐसा करेक्टर इनपुट ले लिया जो इन चारों में से ही नहीं है ना प्लस है ना मल्टीप्लाई है ना माइनस ना डिवाइड तो आप क्या चाहते हो तो आप प्रिंट कराना चाहते हो कि इनवैलिड ऑपरेशन या आप कुछ इनवैलिड ऑपरेशन कर रहे हो ठीक है डिफॉल्ट के बाद आपको यहाँ पे कॉलन लगाना है अच्छा डिफॉल्ट स्टेटमेंट के बाद आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बाद तो कुछ है ही नहीं जो एग्जीक्यूट होगा ठीक है तो आप यहाँ पर ब्रेक नहीं भी लगाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा और स्विच uh, स्टेटमेंट से बाहर आए और यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं रिज़ल्ट द रिज़ल्ट इज रिज़ल्ट ठीक है तो ये आपका कैलकुलेटर तैयार होगा यहाँ पे आप क्या कर रहे हो आप ए और बी दो इनपुट मांग रहे हो उसके बाद ऑपरेशन भी यूज़र से मांग रहे हो और ऑपरेशन के बेस पे आप ऑपरेशन कर रहे हो यहाँ पे अगर प्लस का ऑपरेशन है तो आप प्लस कर रहे हो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है मल्टीप्लाई कर रहे हो और उन सबको रिजल्ट में स्टोर कर ले रहे हो और फाइनली आप रिजल्ट प्रिंट करा ले रहे हो अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा कोई ऑपरेशन बोलते हो उसे करने के लिए या कुछ और उसे बोलते हो करने के लिए तो उसे वो इनवैलिड ऑपरेशन बोल के आ, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा वहाँ पर एक्चुअली प्रिंट करेगा वो यहाँ पर ये जो वैल्यू जीरो रखी है मैंने वो जीरो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा जो कि आपकी इन वैलिडी वैल्यू है ठीक है ओके लेट्स रन दिस रन किया तो यहां पे लिखा रहा है एंटर फर्स्ट नंबर ठीक है सो लेट्स से फर्स्ट नंबर इज ट्वेल्व एंटर फिर बोलते हैं एंटर सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर लेट्स से आपका थ्री है ठीक है उसके बाद मैंने एंटर एट किया uh, आप यहाँ पे देख रहे हो एरर आ रहा है तो uh, मुझे दिख गया मैंने गलती क्या करी है तो यहाँ पे मैंने लिखा हैज़ नेक्स्ट लाइन मुझे हैज नेक्स्ट लाइन नहीं लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे नेक्स्ट uh, लाइन लिखना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन जो होगी ये इस एंटर में चली जाएगी मैंने यहाँ पे हैज नेक्स्ट लाइन लिख लिया था जिसका काम कुछ अलग होता है वो आपको बाद में बता देंगे लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट लाइन से आपकी नेक्स्ट इनपुट आती है नेक्स्ट स्ट्रिंग की इनपुट आती है बट हैज नेक्स्ट लाइन से चेक होता है कि आगे लाइन है कि नहीं है ठीक है तो वो उसने कुछ काम यहाँ पे किया नहीं और वो डायरेक्ट इस लाइन पर चला गया और दिक्कत हो गई काफ़ी और यहाँ पर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गया क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर आपने कुछ डाला ही नहीं और आप उसके अंदर से जीरो करैक्टर निकालना चाहते हो तो ये अगर आपको यहाँ पे एरर समझ में नहीं आ रहा है एरर का मतलब क्या है तो ये आपको पूरा पता चलेगा जब आप स्ट्रिंग के अंदर आप वर्क करोगे और फिलहाल के लिए समझ लो यार यहाँ पे मैंने हैज नेक्स्ट लाइन लिखा था उसको मैंने नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट uh, कर दिया okay, दोबारा रन करते हैं इसे ठीक है तो एंटर फर्स्ट नंबर अगेन लेट्स एट ट्वेल्व सेकेंड नंबर थ्री उसके बाद एंटर दी ऑपरेशन ऑपरेशन में आपने सपोज से माइनस कर दिया ठीक है माइनस लिखा और एंटर so तो द रिज़ल्ट इज नाइन तो यहाँ पे क्या हुआ ए uh, बी uh, uh, ले लिया इसने उसके बाद आपको बता दिया ऑपरेशन भी ले लिया इसने ठीक है ऑपरेशन एज अ स्ट्रिंग लिया स्ट्रिंग का जो जीरो करेक्टर था जो कि माइनस है वो इसने उठा लिया यहाँ पर और ऑपरेशन uh, के बेस पर इसने स्विच स्टेटमेंट लगाई स्विच स्टेटमेंट में आपने चेक किया कि क्या प्लस है वो ऑपरेशन नहीं ऑपरेशन प्लस नहीं है ऑपरेशन तो माइनस है तो उसने सेकंड केस चेक किया कि अच्छा माइनस है तो उसने रिजल्ट इक्वल्स टू ए माइनस बी ए आपका ट्वेल्व था बी आपका थ्री था तो रिजल्ट के अंदर ट्वेल्व माइनस थ्री जो कि नाइन होता वो स्टोर हो गया और यहाँ पर आपने प्रिंट कर दिया द रिजल्ट इज नाइन ठीक है एक और बार इसे रन करते हैं तो अब आप इसे जितनी मर्जी बार रन कर सकते हो ठीक है और आपका ये एक तरीके से ही बन गया है तो आप इसको डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के लिए और डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन के लिए रन कर सकते हो लेट से इस बार ए uh, हो गया फोर्टी फाइव बी लेट से हो गया ट्वेंटी थ्री और मैं इनको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो द रिज़ल्ट इज़ वन ज़ीरो थ्री फाइव ठीक है एक बार और रन करके देखते हैं इसे लेट्स ए आपका ट्वेल्व है बी आपका फाइव है और uh, मैं कुछ और करना चाहता हूँ सपोज मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर लेट्स मैंने ये लिख दिया ठीक है तो ये तो सपोर्टेड नहीं है यहाँ पर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ही सपोर्टेड है उसके अलावा कोई भी करैक्टर होगा वो सपोर्टेड नहीं होगा तो इस केस में आपकी डिफॉल्ट कंडीशन जो होगी वो हिट हो जाएगी ठीक है इनवैलिड ऑपरेशन ठीक है यहाँ पे लिखा गया क्योंकि हमने डिफॉल्ट में लिखा है इनवैलिड ऑपरेशन यहाँ पे हमने ये वाला करेक्टर लिया है और ये वाला करैक्टर हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रखा है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट अपने आप रन हो गई और यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड ऑपरेशन उसके बाद फाइनली ये वाली लाइन भी प्रिंट हो गई आपकी जिसमें लिखा था द रिजल्ट इज रिजल्ट और रिजल्ट आपने इनिशियलाइज किया हुआ है जीरो के साथ तो यहाँ पर द रिजल्ट इज जीरो प्रिंट हो गया है ठीक है वो कोई बात नहीं एक बार और रन करके देख लेते हैं इसे तो लेट्स से थर्टी सिक्स और बी ले लेते हैं आपका टू और डिवाइड ऑपरेशन करके देखते हैं तो थर्टी सिक्स डिवाइड बाई टू इज़ एट्टीन तो द रिज़ल्ट इज़ एटीन ठीक है तो आपका यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का कर यूज़ करके आपका कैलकुलेटर भी यहाँ पे बन गया तो आपको स्विच स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा आई होप और स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक और चीज़ होती है यार कि अगर आपको सपोज़ दो वैल्यूज़ के लिए सेम चीज़ें करनी है सपोज़ आपका पिछले वाले एग्जाम्पल के अंदर सपोज आपको संडे और मंडे दो दिन आप चाहते हो कि आप ऑफिस ना जाओ ठीक है सपोज दो दिन आप चिल करना चाहते हो ठीक है तो आप क्या करोगे केस वन और केस टू के बाद की जो स्टेटमेंट है उनको मर्ज कर दोगे तो मर्ज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक बार तो पुराने वाले एग्जाम्पल में वापस आते हैं यार स्विच केस के अंदर तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि केस वन होगा तो आई एम ऑन लीव केस टू होगा तो आई एम इन ऑफिस ठीक है लेकिन हम चाहते हैं कि केस टू के अंदर भी वो आई एम ऑन लीव भी हो ठीक है मंडे के दिन भी वो लीव पे रहे तो एक तो ये तरीका है कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई एम ऑन लीव ठीक है ये भी चल जाएगा और इसको अगर मैं डे टू के लिए चलाऊंगा तो आई एम ऑन लीव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह आई एम ऑन लीव लिखा हुआ है बट ये आपका सही तरीका नहीं होगा क्योंकि आप कोड रिपीट कर रहे हो और हमेशा आपका जो कोड होना चाहिए वो ड्राई होना चाहिए ड्राई का मतलब होता है डोंट रिपीट यूर सेल्फ ठीक है डोंट रिपीट योर सेल्फ तो आपका यहाँ पे आप क्या कर रहे हो ये दो स्टेटमेंट जो है आप रिपीट कर रहे हो यहाँ पे ठीक है आई एम ऑन लीव और आई एम ऑन लीव आप रिपीट कर रहे हो तो आपके क्या चाहते हो केस वन और केस टू जब चलेंगे तो सेम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो सेम स्टेटमेंट लिखते हैं मतलब बार बार रिपीट करने की जरूरत है तो उसके लिए आप क्या करोगे केस वन भी लिखोगे और केस टू वाली आपने यहां से मैंने कट करी और ये केस वन के बाद डाल दी ठीक है और आप ये जो केस टू वाला कोड था उसे तो आप उसे उड़ा दो यहाँ से ठीक है तो आपने क्या किया केस वन और केस टू साथ साथ लिखते हैं ठीक है तो केस वन और कॉलन केस टू कॉलन ठीक है तो क्या होगा केस वन या केस टू दोनों में से कुछ भी होगा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी केस थ्री होगा तो नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और केस मतलब कुछ और होगा तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा ठीक है ऐसे होना चाहिए आप यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं तो केस टू हुआ यहाँ पर डे ऑफ वीक टू है तो डे ऑफ वीक जब टू होगा तो ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर डे ऑफ वीक वन भी होगा तो आपकी सेम चीज़ एग्जीक्यूट होगी तो अगर यहाँ पर हम वन लिखते हैं इसे ठीक है तो डे ऑफ वीक वन है तब भी यहाँ पे आई एम ऑन लीव लिखा रहा है तो अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज के लिए सेम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है स्विच केस के अंदर तो वो ये तरीका होता है ठीक है वो साथ साथ आप केसेस लिख लेते हो और उनकी स्टेटमेंट्स को आप एक बार में लिख देते हो ठीक है तो आज यार आपने स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में जाना ठीक है स्विच केस के बारे में जाना और ब्रेक लगाना जरूरी होता है वो क्यों जरूरी होता है आपने वो जाना ठीक है और मल्टीपल uh, एक्सप्रेशन अगर लिखने होते हैं स्विच केसेस के अंदर तो वो कैसे लिखते हैं वो जाना ठीक है तो uh, जो असाइनमेंट्स आपको दिए हैं यार आप उनको स्विच केसेस तक कंप्लीट कर सकते हो ठीक है उसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं आप उनको कंप्लीट कर सकते हो कुछ अगर उनमें डाउट आता है और या फिर इस वीडियो में कुछ डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर अपनी कक्षा पर आप टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर ठीक है एट अपनी कक्षा करके आप टैग कर सकते हो तो तब तक के लिए यार चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम बात करने वाले हैं फॉर फॉरलूप के बारे में ठीक है तो फॉर लूप से आप क्या कर पाते हो कि आप सेम लाइन ऑफ कोड को आप मल्टीपल टाइम्स आप रिपीट कर पाते हो तो फॉर लूप्स के बारे में बात करेंगे और और उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं काफी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसमें अच्छे अच्छे तो हम उनके बारे में बात करेंगे ठीक है तो तब तक के लिए चलते हैं यार सी हैव अ गुड डे बाय